तो वहीं हरियाणा सरकार के चुनावी बजट में किस क्षेत्र में क्या मिला, आइए आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते। कृषि क्षेत्र को वर्ष 2018-19 में प्रथम चरण में 15,000 पंप और वर्ष 2019-20 में दूसरे चरण में 35,000 पंप लगाने की योजना है। इस वर्ष गन्ने के लिए 340 रुपए प्रति क्विंटल के मूल्य की घोषणा की है। पहली बार किसानों को गन्ने की बकाया राशि के भुगतान के लिए 16 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी दी गई है। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए बजट अनुमान 2019-20 में 3,834.33 करोड़ रुपए रखा गया है, जो कि 2018-19 के 3,670.29 करोड़ रुपए बजट की तुलना में 4.5% ज्यादा है। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए 2,210.51 करोड़ रुपए, पशुपालन के लिए 1,026.68 करोड़ रुपए, बागवानी के लिए 523.88 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के लिए 73.26 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के लिए सरकार ने नंबरदारों का मानदेय भी 1500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3000 रुपए प्रतिमाह करने तथा उन्हें एक मोबाइल फोन देने का भी निर्णय लिया है। कैथल, जीन और सोनीपत में आधुनिक रिकॉर्ड रूम स्थापित किए गए हैं। अब हम सभी जिलों और राज्य मुख्यालय तक इस पहल का विस्तार कर रहे हैं। 2019-20 में 1,512.42 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव किया गया है, जो कि 2018-19 के 1,053.95 करोड़ रुपए की तुलना में 43.5% ज्यादा है। सहकारिता के लिए सरकार का वर्ष 2020-21 तक 750 करोड़ रुपए की कुल लागत से शाहबाद चीनी मिल में 60 केएलपीडी का एथेनॉल प्लांट लगाने और सहकारी चीनी मिल पानीपत और करनाल का आधुनिकीकरण करने का प्रस्ताव किया है। 2019-20 के लिए 1,396.21 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो 2018-19 के 802.7 करोड़ रुपए से 74.1% ज्यादा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण क्षेत्र के लिए वर्ष 2019-20 में 5,040.65 करोड़ रुपए बजट रखा गया है, जो कि वर्ष 2018-19 के 4,486.91 करोड़ रुपए से 12.3% ज्यादा है। आयुष के लिए 333.2 करोड़ रुपए, कर्मचारी राज्य बीमा स्वास्थ्य देखभाल के लिए 172.49 करोड़ रुपए और खाद्य एवं औषध प्रशासन के लिए 45.67 करोड़ रुपए बजट रखा गया है। 2019-20 में मौलिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए कुल 12,307.46 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उच्च शिक्षा के लिए 2019-20 के लिए 2,076.68 करोड़ रुपए बजट रखा गया है, जो 2018-19 के बजट से 17.1% ज्यादा है। 2019-20 में तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 512.72 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि संशोधित अनुमान 2018-19 के 465.70 करोड़ रुपए से 10.1% ज्यादा है। 2019-20 में खेल एवं युवा मामले विभाग के लिए 401.17 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जो कि 2018-19 से 13.9% अधिक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल टीवी।